दोस्तों कहानियाँ से हमें बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आइए पढ़ते हैं एक प्यारी सी कहानी, एक आँख वाली चिड़िया और किसान की कहानी के बारे में। एक किसान था, उसके अपने खेत में ज्वार बोई थी। ज्वार में बालों आई, बालों में दाने पड़े, एक एक दाना मोती सा था। एक रोज चिड़िया ने उसी खेत में दाने चुगने की सोची, सब एक साथ पहुंच गई, सब दूर भरे कोमल दाने चुभने लगी। तभी किसान आ गया, तुरंत उसने अपने जाल फैलाया। सब चिड़िया उड़ गई, एक बेचारी जिसकी एक आँख में अंधेरा था फंस गई। किसान ने उसे पकड़ कर बांध दिया, फिर छड़ी से फटक फटक करने लगा। बेचारी चिड़िया छटा पटाने लगी। दूर बांध में पास से एक ग्वाला गुजर, उसे देख एक चिड़िया बोली, ओ गायों के ग्वालो दया रे दया, एक आँख वाली चिड़िया मैं तो चिड़िया, बचा लो मुझे मेरे प्यारे भैया। चिड़िया की आवाज़ सुनकर ग्वाला खेत पर पहुंचा, उसने देखा कि किसान चिड़िया को छड़ी से पीट रहा है। वह बोला, इसे मत मारो, छोड़ दो, बेचारी एक आँख वाली है। किसान कुकड़ा, कैसे छोड़ूं, मैं तो इसे थाने में ले जाकर और पिटवाऊंगा, तुम क्या जानो इसमें मेरा कितना नुकसान किया है। ग्वाला बोला, ऐसा करो, तुम मेरी एक गाय ले लो और इसे छोड़ दो। किसान ने कहा, यहाँ से फौरन दफा हो जाओ वरना तुम्हें भी थाने में बंद करवा दूंगा। ग्वाला अपनी गायों के साथ आगे बढ़ गया। अगर आपके कहानी अच्छी लग रही है तो आगे बढ़ें पढ़ें। कुछ देर बाद उधर से भैंसों का चरवाहा गुजरा, उसे देखकर चिड़िया फिर दुहाई देने लगी, ओ भैंसों के चरवाहे दया रे दया, एक आँख वाली चिड़िया मैं तो चिड़िया, बचा लो मुझे मेरे प्यारे भैया। चिड़िया की आवाज़ सुनकर चरवाहा खेत पर पहुंचा, उसने देखा कि किसान एक चिड़िया को छड़ी से पीट रहा है। वह बोला, अरे भाई इसे छोड़ दो, बेचारी की एक आँख फूटी है। किसान बमका, नहीं मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरा बहुत नुकसान किया है, मैं तो इसे फांसी पर लटकवाऊंगा। चरवाहा बोला, भाई सवा नुकसान का है तो मेरी एक भैंस ले लो और इस बेचारी चिड़िया को छोड़ दो। यह सुनकर किसान भड़क उठा, वहां से फौरन 9-2-11 हो जाओ वरना तुम्हारी भी खैर नहीं, अब कौन पंगा ले ऐसी जाहिल से। चरवाहा अपनी भैंसों के साथ आगे बढ़ गया। फिर वहां से एक के बाद एक बकरियां
का चरवाहे, घोड़े का चरवाहा, ऊँटों का चरवाहा गुजरा, लेकिन किसान ने सब को डांट डपट कर भगा दिया। फिर वह चिड़िया को लेकर थाने जाने के लिए चला। धूप तेज थी, रास्ते में उसे लू लग गई। वह एक पेड़ की छांव में बैठा गया। वहां चार पठान भी बैठे थे। उन्हें देखकर चिड़िया बोली, ओ काबुली भैया, दया रे दया, एक आंख वाली मैं तो चिड़िया, बचा लो मुझे मेरे प्यारे भैया। चिड़िया की दुहाई सुनकर वे किसान की ओर मुड़े। एक ने कहा, शैतान के बच्चे चिड़िया को छोड़, वरना हम तेरी दोनों आँखें की बत्ती गुल कर देंगे। किसान बोला, यह धौंस किसी और पर जमाना, मैं डरने वाला नहीं। पठानों को गुस्सा आ गया, वे उस पर टूट पड़े। किसान की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसने चिड़िया को फौरन छोड़ दिया। फिर चिड़िया उड़ती हुई चहकचहाती हुई अपने झुंड में जा मिली। यह कहानी एक आँख वाली चिड़िया और किसान की कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट कर बताएं। पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। एक कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।